नमस्कार दोस्तों, मैं ही कल्याण मैती और आप देख रहे हैं टेक्निकल नॉलेज एंड स्टॉक मार्केट चैनल, जिसमें आज हम लोग स्टॉक मार्केट पार्ट डिस्कस करेंगे। और स्टॉक मार्केट पार्ट में जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है, सब लोगों को मालूम है अभी क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है उसका सिलसिला बना हुआ है और हर एक दिन कोई ना कोई कंपनी का रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसा ही एक कंपनी का रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है 12 जनवरी, तो उसको जो रिजल्ट है उसी को हम लोग स्टडी करेंगे आज का जो वीडियो उसी में। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरा चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तब सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए वो पेज मैंने ओपन करता हूँ, वो पेज ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हूँ, जस्ट मिनिमाइज था। सबसे पहले मैं बोलता हूँ उस कंपनी का जो नाम है वो है टाटा एल्क्सी है। वो कंपनी एक्चुअली IT सॉफ्टवेयर कंपनी है और मीडियम एंड स्मॉल सॉफ्टवेयर का ही बिजनेस इसका मेन बिजनेस है, जो कोर बिजनेस यही है। तो चलिए अभी इसका जो रिजल्ट जो आया है उसको स्टडी करेंगे। अभी ऑलरेडी ओपन कर दिया, वो आप देख सकते हैं, मैंने अभी हाईलाइट करता हूँ इसका भी। देखिए 2020 का साथ 2020 दिसंबर का साथ 2019 का जो दिसंबर का जो जो कंपैरिजन है वही हम लोग अभी स्टडी करेंगे। अभी देखिए नेट सेल्स में देखिए 2020 को 477 करोड़ का इसका नेट सेल्स था और 2019 में देखिए 423 था और 2020 में देखिए 477 है, तो 12.67% का इसका बढ़ोतरी हुआ है। तो नीट सेल्स में 12% का ऑलमोस्ट इसका बढ़ोतरी हुआ है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2019 में था 94.2 करोड़, उसके बाद अभी देखिए 2020 को देखिए 143.6 करोड़, इसका मतलब 52.45% का इसका बढ़ोतरी हुआ है, बहुत बड़ा है ये। तो 50 का ऊपर परसेंटेज देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसका प्रॉफिट है। उसके बाद देखिए स्टैंड अलोन नीट प्रॉफिट देखिए 105, अभी जो 2020 का है, 2019 में देखिए 75 करोड़ का था, 75.42, और अभी जो है 105.2, तो इसमें देखिए 39.49% का बढ़ोतरी हुआ है। स्टैंड अलोन जो नीट प्रॉफिट है इस कंपनी का अभी 39%, ऑलमोस्ट 40% के आसपास इसका प्रॉफिट का बढ़ोतरी हुआ है। तो आप सोच लीजिए कितना अच्छा इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखिए दिसंबर 2020 में देखिए 30%, जो 2019 को था 22%, ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए 7.85% का बढ़ोतरी हुआ है। तो हर एक पैरामीटर में आप देखिए इसका बढ़ोतरी हुआ है, हर एक पैरामीटर में। तो उस हिसाब से मेरे को ये रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो आप भी देख सकते हैं इसका रिजल्ट कैसे आया है नहीं है। अब आप इसके ऊपर फिर स्टडी कीजिएगा तो आप उसका फिर कुछ कॉन्क्लूशन आपका हिसाब से भी आप निकालिए, ठीक है। मैं नहीं रिटर्न दिखाता हूँ, प्राइस मूवमेंट के साथ साथ रिटर्न भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो रिटर्न आप देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। अभी देखिए लास्ट 10 ईयर्स का देखो, अभी इसका जो ये जो है मैंने अभी दिखाएंगे स्टॉक का साथ इस कंपनी का स्टॉक का कितना रिटर्न था लास्ट 10 ईयर्स में और इस कंपनी का रिटर्न कितना है। देखिए लास्ट 10 ईयर्स में स्टॉक का था वन, मैंने अभी हाईलाइट करता हूँ, लास्ट 10 ईयर्स में आप देखिए इंडेक्स का था 159.99, इसका मतलब 160% है। बट इसका देखिए इस कंपनी का 10 ईयर्स में रिटर्न देखिए 1567% का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है ना, रिटर्न दिया हुआ है। और दूसरा देखिए इस कंपनी का रिजल्ट 5 ईयर्स में 165% का इसका जो रिटर्न है। बट आपका जो सेंसेक्स था उसका रिटर्न देखिए इंडेक्स का 100% था। 4 ईयर्स में देखिए, लास्ट 4 ईयर्स में आपका कंपनी का रिटर्न है 238% है, बट इसका आप इंडेक्स का देखिए ओनली 80%, ठीक है। उसके बाद 3 ईयर्स का देखिए, लास्ट 3 ईयर्स में 126% जो है कंपनी का रिटर्न है, बट इंडेक्स का देखिए 40% है, 40.73। 2 ईयर्स का देखिए 142% कंपनी का है और इंडेक्स का देखिए 35% है। लास्ट वन ईयर में देखिए 149% है कंपनी का रिटर्न और इंडेक्स का देखिए 17%। और ईयर टू डेट देखिए 29% है कंपनी का और 2.69% इंडेक्स का। लास्ट 6 मंथ में देखिए 163% है कंपनी का और 36% जो है आपका रिटर्न आया है इंडेक्स का। और लास्ट 3 मंथ में देखिए 61% कंपनी का है और इसका जो रिजल्ट देखिए, इसका जो रिटर्न है आपका इंडेक्स का 23%। लास्ट 1 महीना में 44.8% और इंडेक्स का देखिए 5.99%। लास्ट 1 वीक में 15.96%
और 0.5% जो है इंडेक्स का। तो हर एक पैरामीटर में आप देखिए लास्ट 10 ईयर से कितना अच्छा परसेंटेज इसका रिटर्न, मतलब इंडेक्स का साथ कितना बीट कर रहा है, ठीक है ना, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा इसका रिटर्न आ रहा है, रिटर्न दे रहा है कंपनी का। फ्यूचर अभी मेरे को लग रहा है अच्छा है। आप अभी आपका हिसाब से स्टडी कीजिए और देखिए मेरा ये वीडियो देख के आपका बाई सेल होल्डिंग का कोई भी अपने पोजीशन मत बनाइए। मैंने जस्ट इसको आपका पास नॉलेज होना चाहिए इस कंपनी, अगर आपने देखा नहीं है, अगर आपने फॉलो नहीं कर रहा तो फॉलो कीजिए, इसको स्टडी कीजिए और अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ सलाह करके कोई ना कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो मेरा वीडियो देख के अपने फाइनल डिसीजन मत लीजिए। पहले और एक चीज़ बोल रहा हूँ, हर एक दिन हर एक वीडियो में मैंने जैसे बोलता हूँ, अगर आपका आसपास में कोई बंदा आपसे हेल्प मांग रहा है, हेल्पलेस बंदा, तो आपने उसको हेल्प कीजिए और आपने हेल्प करेंगे उसी उम्मीद के साथ। आज का वीडियो हम लोग ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।